नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं BNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। साहब, मेरी बीवी मुझसे कपड़े धुलवाती है, भरपेट खाना भी नहीं देती। जब आवाज उठाता हूं तो बीवी अपने घर वालों के साथ मिलकर मुझे पीटती है। साहब, मुझे मेरी बीवी की प्रताड़ना से निजात दिलाओ या फिर मुझे इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दो। ग्वालियर पुलिस की जनसुनवाई में जब एक शख्स ने रोते हुए ये SP से गुहार लगाई तो वह मौजूद लोग हक्का बक्का रह गए। मंगलवार को ग्वालियर में SP अमित सांघी जनसुनवाई कर रहे थे। हमेशा की तरह भीड़ थी, लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर आए थे। बिजली, पानी, सड़क, जमीन की शिकायतें थी। उसी भीड़ में बैठा था ये एक प्रताड़ित पति। उसने जैसे ही बोलना शुरू किया सब अपनी बात भूलकर उसकी सुनने लगे। परेशान पति की शिकायत पर SP ने क्षेत्रीय थाना प्रभारी को मामले की कार्यवाही करने के आदेश दिए हैं। पति का दर्द, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। ग्वालियर में पुलिस के सामने एक पति की ये फरियाद आई है। जन सुनवाई में आज एक शख्स ने अपनी बीवी की प्रताड़ना से निजात दिलाने या इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की गुहार लगाई है। ग्वालियर के कुमारों का मोहल्ला में रहने वाले धर्मेंद्र पाल ने ग्वालियर SP अमित सांघी को एक शिकायती आवेदन दिया है। धर्मेंद्र ने SP को बताया कि उनकी बीवी ने उनका जीना हराम कर दिया है। वो उससे बर्तन बनवाती है, कपड़े धुलवाती है, मना करने पर मायके वाले से पिटवाती है, भरपेट खाना भी नहीं देती। SP से अपनी बात कहते कहते धर्मेंद्र गाना गाने लगा, जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ। धर्मेंद्र ने बताया कि साल 1998 में पिताजी की मृत्यु के बाद उसे PHE में अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। 2016 में विनयनगर में रहने वाली अनीता से उसकी शादी हुई। शादी के कुछ दिन बाद से ही उसकी पत्नी और सास ससुर प्रताड़ित करने लगे थे। 2018 में पत्नी और ससुरालियों ने उसे कमरे में बंद कर पीटा और दहेज एक्ट में पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद भी वो अपनी बेटियों की खातिर चुप रहा और समझौता करके पत्नी को घर ले गया, लेकिन पत्नी ने उसे प्रताड़ित करना बंद नहीं किया। धर्मेंद्र ने बताया कि उसने अपनी भांजी की शादी के लिए रुपया जोड़ा था, लेकिन पत्नी जब ज्वाइंट अकाउंट से रुपए निकालने नहीं दे रही है। SP अमित सांघी ने धर्मेंद्र की पूरी पीड़ा सुनी। उन्होंने धर्मेंद्र को इस मामले में मदद करने का भरोसा दिलाया। SP सांघी ने कहा, एक पति की पीड़ा और शिकायत आई है, पति मानसिक रूप से बहुत परेशान है। इस मामले में क्षेत्रीय पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। पत्नी को बुलाकर काउंसलिंग के जरिए इनका पारिवारिक झगड़ा खत्म करने का प्रयास किया जाएगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN न्यूज़।